वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। हारून शुएब आपके लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। कभी पाकिस्तान टेलीविजन के गोल्डन जो हीरोज़ और हीरोइंस हैं, अदाकार अदाकाराएं, उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। कभी हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। कभी मसीकी की बात हो रही होती है। और आज तो एक पाकिस्तान के ऐसे सितारे की हम बात करने चले हैं कि जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए दिल भरता नहीं, जिनको जितना भी याद किया जाए दिल भरता नहीं, जिनके जितने भी गाने सुने गाए जाएँ दिल भरता नहीं। और यह है मरहूम जुनैद जमशेद। हारून शुएब से तो बात होगी ही, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त अभी जब टू शॉट कट होगा तो आप एक और चेहरा भी देखेंगे, और ये वो चेहरा है जिसका राइजिंग पाकिस्तान से बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है। लेकिन फिर ये चले गए, लाहौर मूव कर गए, कम आना रहा ऑन एयर। लेकिन आज हमने जमशेद अली खान को पकड़ ही लिया कि वो अपने खूबसूरत गिटार और अपने परफॉर्मेंस के साथ जुड़े जमशेद के ट्रिब्यूट में हमें ज्वाइन करें। जमशेद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हारून, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तौसीक साहब, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक जमशेद। आपको हमने, हमारी स्क्रीन ने, राइजिंग पाकिस्तान ने बहुत मिस किया। क्या आपके गिटार ने भी हमें मिस किया? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और आज बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि मैं कब ऑन एयर आऊंगा। ग्रेट ग्रेट। और जब जुनैद जमशेद साहब का प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा इसमें तो जमशेद को बुलाते हैं जरूरी। बिल्कुल, क्योंकि जमशेद वाइटल साइंस के गाने, ये और इनके जो ट्विन ब्रदर हैं असद, ये दोनों बहुत खूबसूरत अंदाज में गाते हैं। और व्हाट एन अमेजिंग गिटारिस्ट यू आर। एक जरा सोलो भी हल्का सा सुनेंगे तुमसे, तैयार? जी हारून, ओवर टू यू। कहाँ से कहानी शुरू करेंगे आप? तौसीक, थोड़े से पहले मैं फैक्ट्स बता दूं उनकी ज़िंदगी के। 3 सितंबर 1964 पैदा हुए जुनैद जमशेद कराची में। उनके वालिद जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे, और वालदा उनकी जो थी वो लोहारू स्टेट की जो रॉयल फैमिली थी उससे उनका ताल्लुक था। तो जुनैद जो थे वो तालीम हासिल की उन्होंने कुछ सऊदीया में भी, जब उनके वालिद वहाँ पोस्टेड थे तो वहाँ भी पढ़ते रहे, फिर वापस आए। और एयरफोर्स में जाने का बहुत शौक था जुनैद को। तो जुनैद जो थे वो अपने आप को बिल्कुल ये समझते थे कि मैं तो अपने वालिद की तरह पायलट बनूंगा, एयरफोर्स में जाऊंगा। अच्छा। लेकिन ये हुआ कि वो नहीं मुमकिन हुआ, वजूहात उसकी जो भी थी। तो फिर जुनैद ने इंजीनियरिंग की तरफ गए और लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वहाँ से फिर जो है ना वो म्यूज़िक के साथ एक रिश्ता उनका जुड़ गया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं देख रहा था जे जे लॉट एक पहला बैंड बना यूनिवर्सिटी के ज़माने में ही। जे जे जुनैद जमशेद वो सिंगर थे और उन्होंने अपने साथ कुछ अपने साथी मिलाए और एक पहला लॉट बना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक और बैंड बना, उसका नाम था नट्स एंड बोल्ट्स। उसके भी जो लीड सिंगर थे वो जुनैद जमशेद थे, और उन्होंने कुछ अर्थ उसके साथ रिसर्च लेके आए हारून आज तो। अच्छा, फिर जो था, फिर उनके साथ इधर एक बैंड बन रहा था रावलपिंडी में, जिसमें रुहेल हयात थे, शाही थे और नुसरत थे। इन तीनों ने मिलके एक बैंड बनाया और वो अपने लीड सिंगर की तलाश में थे। तो उन्होंने जुनैद को परफॉर्म करते हुए देखा इन डिफरेंट स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स, फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स, और वहाँ से फिर जुनैद जुड़े उनके साथ और वाइटल साइंस बना, जिस तरह हम आज उसको जानते हैं। 1986 की बात है ये मेरे ख्याल में, जब जुनैद ने उनको ज्वाइन किया। और ये वो वक्त था जबकि मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर, इनके साथ हमारा जो पॉप सीन है वो आहिस्ता आहिस्ता पाँव पाँव चलना। बिल्कुल बिल्कुल, हो चुका ये था। ये जो वाइटल साइंस का हम कहते हैं कि बिल्कुल एक, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस आपको नजर आते हैं। सुहेल राणा साहब की मौसीकी, फिर नाजिया हसन, नाजिया जुहेब, बिल्कुल ऑफकोर्स रॉबिन घोष ने भी ये जो वेस्टर्न म्यूज़िक था उसको इंट्रोड्यूस करा दिया था। और जिस तरह आपने कहा आलमगीर साहब और शेखी भी थे, तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस लेके वाइटल साइंस इमर्ज हुआ। और मज़े की बात ये थी कि ये वो बैंड आए पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे वाइटल साइंस ऑफ कोर्स सबसे पहले, जिसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी नज़र आए आपको। तो बिल्कुल जो वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ ये यंगस्टर्स सुनते हुए बड़े हुए थे, तो वो उन्होंने अपने म्यूज़िक के थ्रू भी प्रेजेंट किया। और ये जमशेद इससे एग्री करेंगे कि इतनी खूबसूरत फ्रेश साउंड आई कि वो हम सब देख सकते हैं। पहली एल्बम मेरे ख्याल में 1987 में उनकी आ गई थी, और वो थी वाइटल साइंस 1 जिसका नाम, और उसके एक से एक खूबसूरत गाना, और दिल दिल पाकिस्तान ऑफ कोर्स हमको याद है। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये डिस्कवर कैसे हुए, ये कहीं परफॉर्म करे थे, PTV एकेडमी की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था राणा कंवर, वो गई और उन्होंने ये एक इनका गाना था चेहरा चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, ये परवीन शाकिर साहिबा का कलाम है। तो ये जो थी उन्होंने सुनी और उन्होंने इसकी वीडियो बनाई एज अ स्टूडेंट, और जब वो लेकर आई अपने टीचर के पास जो कि थे शुएब मंसूर, तो शुएब मंसूर ने कहा
कि ये खूबसूरत तस्वीर है शुएब साहब की और जुनैद की। तो शुएब साहब ने कहा कि ये कौन लोग हैं, इनको मुझसे मिलवाओ। तो फिर राणा ने इंट्रोड्यूस करा, राणा कमल ने इंट्रोड्यूस कराया और वाइटल साइंस बना। और फिर इनका वो जो दिल दिल पाकिस्तान था वो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर चला। तो ये पहली एल्बम का हिस्सा थे ये गाने। ब्यूटीफुल, कितना अच्छा आपने हमें एक ओवरव्यू दिया। और कहानी जमशेद जैसे जो सिंगर्स हैं या गिटारिस्ट हैं, आई थिंक जमशेद आपके करियर के अंदर भी वाइटल साइंस का जुनैद भाई का बहुत बड़ा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। एंड आई थिंक एक लेजेंड हैं वो, और मतलब आई डोंट थिंक आई नो, एवरीबडी नोज कि एक लेजेंड गुजरे हैं। और उन्होंने मतलब ये पायनियर्स थे, इन्होंने म्यूज़िक को शेप किया है जिस तरीके से आज जिस मतलब बेस जो हमारी बेस थी वो इन्होंने ले की, और जितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने ये किया है, मेरे ख्याल में देखें आज तक वो चीज़ फिर रिक्रिएट नहीं हो सकी। नहीं हो सकी। जुनैद भाई की बातें, उनका स्माइल। और तौसीक, आपने एफएम जब पाकिस्तान में शुरू हुआ, आपने बड़ा काम किया एफएम के ऊपर, और यू आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एफएम टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। तो मुझे बताएं उस वक्त आपके शोज में तो जुनैद जमशेद एंड वाइटल साइंस। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, मतलब मेरा ख्याल है वो दो घंटे का कोई भी दिन ऐसा नहीं था वो दो घंटे जो है वो वाइटल साइंस या जुनैद जमशेद की आवाज़ के बगैर मुकम्मल हो जाए। और एक नहीं, एक से बढ़ के, कोई कह रहा है जी चेहरा सुना दें, कोई कह रहा है वो शाम सुना दें, मतलब रेंज ऑफ, मतलब पूरा शो भी अगर आप वाइटल साइंस पे करने लगे तो वो शो डाउन नहीं होता था, वो ऐसे जैसे ना कि उठ के गया शो भाई आज। बिल्कुल नेचुरल डेक्सटेरिटी थी उनकी वोकल्स में, और वो जो थी वो मतलब रॉ आवाज, लेकिन इतनी खूबसूरत उस आवाज की एक अपनी, एक आपको पता है ट्यून्ड आवाज, मतलब पिच परफेक्ट आवाज थी उनकी। उस जमाने में ऑटो ट्यूनर्स नहीं होते थे, एंड वो नेचुरल सिंगर जो होता है ना वो, मतलब डेफिनेशन जुनैद साहब वो डेफिनेशन। और वाइटल साइंस का वो जो एक कॉम्बिनेशन था ना चारों का, जी जी, केमिस्ट्री है वो, एक विजुअल केमिस्ट्री भी बड़ी खूबसूरत, बिल्कुल एक नया कल्चर माशाल्लाह, और देखने में भी हैंडसम बॉयज, यस। और जो उनका म्यूजिक था, और वो कोई एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं ज्यादा बड़ा स्टार हूँ, मैं ज्यादा अच्छा नजर आऊं, मेरे पे कैमरा ज्यादा आए, चारों का एक खूबसूरत सिनर्जी और बैलेंस हमें नजर आता था। और सेकंड एल्बम तक तौसीक, फिर उनके अंदर एक डेप्थ भी उनके म्यूजिक के अंदर हमें नजर आने लगी। अगर जमशेद को भी याद होगा सेकंड एल्बम एतबार जो है, बिल्कुल, उसके अंदर आपको म्यूजिक जो है वो आपको नजर आएगा कि अब थोड़ा मामला सीरियस हो रहा था। और वो उसमें आपको फ्लॉइडियन, वो पिंक फ्लॉइड के इन्फ्लुएंस, ईगल्स के, डुरान डुरान, वो सारे ये जो वेस्टर्न जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बैंड जो थे उन सब के इन्फ्लुएंसेस आपको नजर आएंगे। और गिटारिंग इतनी अच्छी थी, चार पांच गिटारिस्ट जो थे वो वाइटल साइंस के साथ एसोसिएटेड रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तीन कॉन्स्टेंट मेंबर्स थे। लेकिन एतबार जो गाना है वो अभी हम सुनते हैं। और एतबार पे मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि जुनैद साहब से एक दफ़ा, बल्कि मल्टीपल इंटरव्यूज में उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा मिजाज है उसके हिसाब से एतबार जो एतबार। है, I love that song। तो फिर सुनते हैं ना। जरूर जी। एतबार भी आ ही जाएगा, मेरो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही, एक बार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। धूप में खड़ा जल रहा ब्यूटीफुल। मैं देख रहा हूँ वीवो कैमरे के पीछे जो हमारे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं इस वक्त, और हमारे इंटर्नीज, और कंट्रोल रूम ने अपना माइक ऑन करके मेरे कान में पूरा क्रू इस वक्त हमारा एतबार गा रहा था।
ये होता है बड़ा गाना, ये होता है लाजवाब म्यूजिक का जादू, टाइमलेस, एवरग्रीन, कि ये जनरेशन जो अब जवान हो रही है इनको भी पूरा गाना आता है और इस नस्ल को भी जिनके सामने ये गाने बने और बच्चों को भी, आज भी आप देखें यंगस्टर्स जब इकट्ठे होते हैं अपनी जैमिंग शैमिंग के सेशंस होते हैं तो ये जुनेद जमशेद साहब के अलावा और वाइटल साइंस के अलावा वो मुकम्मल नहीं हो सकते कि अगर कोई गाना उनका ना हो। और फिर जो लास्ट एल्बम वाइटल साइंस की आई तौसीक, वो थी हम तुम, और हम तुम के बाद जो है वो बैंड डिसबैंड हो गया, लेकिन यह है कि जुनेद ने अपना सफ़र जारी रखा। हम तुम का एक गाना देखते हैं, सुनते हैं इनसे, मौला, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आए यहाँ खुशहाली की बहार, इतने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने है दिया, इसको जमीन पर जन्नत दे बना। हो मौला, हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला जबरदस्त भाई। जुनेद जमशेद की ऐसी शख्सियत है और उनका ऐसा करियर है पे जिस पे जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन अब जाहिर है हम सब वक्त की कैद में हैं और लाइव शो में टाइम मैनेजमेंट जो है ना उसके बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, है ना, जैसे इम्तिहान में सफाई के नंबर होते हैं ना पर्चे पे, इसी तरह एक एंकर के लिए टाइम मैनेजमेंट के बहुत नंबर होते हैं, इसलिए हम जरा क्विक क्विक चलेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे आज की नशिस्त। हम तो चले उस राह पर जिसके बाद कैसे मुकम्मल हो सकती है। बिल्कुल, आपने हारून ये कैसे कह दिया कि नहीं मैंने मैंने वो जो टाइम मैनेजमेंट की क्या खूबसूरत गाना है, सपना दिखाया है, देखो कहीं भूल जाए, मुझे जो वो वायलेंस आते हैं। एक गाना जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और ऑफ एयर मैं सुनूंगा जमशेद से, हमें था उनका ख्याल उन्हें लेकिन ना हुआ जुदा होने का मराल, क्या खूबसूरत गाना है और क्या इमोशन है उसके अंदर। तो जुनेद जो थे उन्होंने अगेन वो लिरिक्स भी वो चुन रहे थे और शुएब मंसूर साहब के ज़्यादातर लिखे हुए लिरिक्स थे, बहुत कम गाने हैं जो कि किसी दूसरे शायर के जुनेद ने गाए, ज़्यादा शुएब मंसूर साहब ही लिख रहे थे और बना रहे थे उनके लिए, तो वो जो लिरिक्स थे वो भी बहुत खूबसूरत। इस गाने के अंदर आप ये देखिए कि फिर जुनेद जमशेद की अपनी ज़िंदगी में हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले, और फिर हम देखें उनकी जिंदगी में भी कॉन्स्टेंटली वो अपने आप को, बिल्कुल बिल्कुल, जुनेद जमशेद की अगर आप जिंदगी देखें तो वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे थे, चाहे वो म्यूजिक पर्सनली या म्यूजिक के हवाले से भी। और फिर उन्होंने ये जब आखिरी एल्बम आई उनकी तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और राह ली और फिर वो उन्होंने उस राह को परस्यू किया और उसमें भी अगेन नशीद जिस तरह उन्होंने पढ़ी वो उसकी मिसाल कम ही मिलती है उर्दू की गायकी में, लेकिन यह है कि खूबसूरत और दिलसोज नशीद पढ़ने में जुनेद जमशेद ने अपना एक अलग ही नाम पैदा किया और आज तक लोग सुनते हैं, दिल पे असर करती है। Exactly. तो वो 2016 में उनकी एक हादसे में डेथ हो गई, 52 इयर्स का सिर्फ करियर उनका जिंदगी रही, लेकिन उसके बावजूद जुनेद जमशेद ने इतनी वेल्थ छोड़ी है ऑफ हिज आर्ट कि हम आज भी उसको सुनते रहें, इंजॉय करते रहें, एक एक गाना हमारे लिए अपनी मेमोरीज रखता है। हम जैसे आर्टिस्ट जो उसी के ऊपर अब बिल्ड कर रहे हैं, लगे इतने खूबसूरत गाने और लिरिक्स। अच्छा भाई, वो कंट्रोल रूम ये कह रहा है कि हमने इतना सा डेढ़ एक मिनट हमने अच्छा बचाया है। नहीं, जमशेद आए हुए हैं तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इनकी पहचान पाकिस्तानी मौसीकी के एतबार से देखें तो गिटार है। जमशेद थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। हारून आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मरहूम जुनेद जमशेद को हमने राइजिंग पाकिस्तान में आज जो ट्रिब्यूट उनकी याद में पेश किया, हमें व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताइएगा हमारे फेसबुक पेज पे कि आपको ये ट्रिब्यूट कैसा लगा, उनका फेवरेट गाना आपका कौन सा है। क्विकली हम आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब बढ़ेंगे और उसके बाद आज खानदगी का आलमी दिन है यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, सो डॉक्टर नासिर महमूद हमारे साथ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स इस चैलेंज के अंदर को में हम अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढ सकते हैं, इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट नशिस्त है जो मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए सजा रखी है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, शुमाइला ने चकवाल से हमें याद किया, शुमाइला कहती है जी
तौसीक भाई, जुनेद जमशेद की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनके सारे गाने बहुत पसंद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा एतबार है। थैंक यू, आपने एतबार को प्रोग्राम में शामिल किया। और इस वक्त तो मुझे कंट्रोल रूम बता रहा है और आमना के एक सैलाब है मैसेजेस का जो हमारे व्हाट्सएप पे आ रहा है जुनेद जमशेद के गानों के एतबार से। सानिया ने बहावलपुर से कहा है कि जमशेद अली खान को दोबारा राइजिंग पाकिस्तान में हम वेलकम कहते हैं और इनको देख कर मुझे गिटार बजाने का शौक हुआ था और इन्होंने जिस तरह से हमें गिटार और इंस्ट्रूमेंट्स पिछले बरस टीच किए थे वो बहुत ज़बरदस्त है, वो सिलसिला दोबारा शुरू करें। इसके अलावा जी कुछ तस्वीर हैं, क्विकली उन पे एक नज़र डालते हैं। नुदरत ने आज़ाद कश्मीर से हमें दो तस्वीर भेजी हैं। कंट्रोल रूम जल्दी जल्दी प्ले करेंगे ताकि सबकी हाजिरी भी लग जाए और आगे हम बढ़ें। वाह जी वाह, आज़ाद कश्मीर क्या खूबसूरत, पीछे क्लियर ब्लू स्काई देखें। नुदरत, आई एम श्योर कि आपने फिल्टर्स इस्तेमाल नहीं किए होंगे। ये छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा बेबी कौन है, ये बॉय है या गर्ल है? वैसे बॉय लग रहा था, इसका नाम क्या है ये भी आपने नुदरत हमें ज़रूर बतलाना है। वसीला राहत नौशहरा से वसीला ने दो तस्वीरें भेजी हैं, देखते हैं कि कौन है। अरे बाजी, प्यारी सी परी और प्यारा सा हैंडसम सा शहजादा, ये बच्चे कौन है? बहुत प्यारे लग रहे हैं, इतने खूबसूरत फूलों में खड़े हैं। शाम का मंजर, ये शाम का मंजर है जी। हाँ। ये बिल्कुल सनसेट है, मुझे आज तक सनराइज और सनसेट का फर्क नहीं पता चलता, लेकिन हारून कह रहे हैं कि सनसेट है। आमना अशफाक ने हसन अब्दाल से हमें आर्टवर्क की कुछ तस्वीरें बना के भेजी हैं। आमना अशफाक, अरे वाह, ये देखें जनाब, ये जो वो आइसक्रीम की स्टिक्स होती है ना, उसके साथ इन्होंने फर्नीचर बनाया जो हमें जनाब, जबरदस्त 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 ये आर्टवर्क। चाय गर्मा गर्म तैयार है, बिल्कुल मेरा सब चाय पीने का दिल कर रहा है। चाय सुफियान, जल्दी से चाय प्लान करो भाई। जगह का नाम इन्होंने लिखा और नाम भी अपना नहीं बताया और कुछ ड्रॉइंग्स बना के भेजी। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस के जाने बढ़ेंगे। भाई तितली बहुत ही प्यारी है, कौन सा रंग है जो इस तितली में नहीं है? ब्यूटीफुल। कंट्रोल रूम जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम, वक्त कम है, मुकाबला सख्त। सायरा ने भावलपुर से याद किया, कहती है तौसीक अंकल आपकी जो मिलियन डॉलर हैबिट्स की नसीहत का सिलसिला है, जो भाई हम तो उसको नसीहत नहीं कहते, आप नसीहत समझ रही थी, हम तो उसे मशवरा कहते हैं। मिलियन डॉलर बच्चों की मिलियन डॉलर हैबिट्स का जो सिलसिला हमने अभी हाल ही में आपके लिए शुरू किया, कह रही बहुत ज़बरदस्त है, मेरी ज़िंदगी में 3 हफ्तों में, अरे वाह 3 हफ्तों में मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं, मैं आइंदा के मैसेज में ज़रूर शेयर करूँगी। और कहती हैं जी नसीम शाह की तो क्या ही बात है, दिल खुश कर दिया। बिल्कुल सारा, हम आपसे एग्री करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो ऐसा मतलब सुरूर है इस वक्त, एक बिल्कुल फ्लाइट के ऊपर है हम सब लोग, है ना जी? दैट इज राइट, कल रात से, और वही मैं कह रहा था अभी जमशेद से बात हो रही थी, स्टेडियम में आपको कोई भी मैच हो, दिल दिल पाकिस्तान का पोस्टर जरूर नजर आता, तो जुनेद जमशेद और फिर नसीम शाह, अमेजिंग, मजा आया। लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि कोई मैं एनिमेटेड ख्वाब या एनिमेटेड मूवी के अंदर चला गया हूं, है ना जमशेद? वो जो दो बॉल से, आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। हम बिल्कुल, हां, एक टफ सिचुएशन में थे, लेकिन हम उससे ऐसे निकल के आए। जाने का है, इधर आओ यार, मैं बताता हूं, मैं सिखाता हूं क्रिकेट क्या होती है, यूथ की एनर्जी, छक्का किसको कहते हैं। सो नसीम शाह, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला पाकिस्तान की पूरी टीम को सेहत के साथ, हिफाजत के साथ रखे, इनकी फिटनेस बरकरार रहे, और हम एशिया कप जीत के आए, हमारी दुआ है। लेकिन नसीम शाह दिल जीत लिया, कमाल कर, स्वाद आ गया। अच्छा जी, इसके बाद जल्दी जल्दी आपको बताएं, मुदस्सरा गुजरांवाला से कह रही है अस्सलाम वालेकुम तौसीक सर, सबा कमर को बुलाएं, मेरी फेवरेट है। जी बिल्कुल, सबा कमर हमारी भी बहुत फेवरेट है, उनको भी हम प्रोग्राम में डेफिनेटली किसी दिन शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हारून आपका शुक्रिया, थैंक यू जमशेद आपका शुक्रिया। आज देखा ट्रेन बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है, स्पीड बहुत तेज है। हम चल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद साथियों आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, खानदगी का आलमी दिन है, और हमने डॉक्टर नासिर महमूद को बुलवाया है जो कि एक नामी गिरामी माहिर तालीम है, और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिलसिला है भाई, 2.5 करोड़ तकरीबन बच्चे पाकिस्तान के ऐसे हैं जो स्कूल जाने की उम्र में हैं लेकिन खानदगी से दूर हैं, लिटरेसी से दूर हैं, तालीम से दूर हैं, और इन चैलेंजेस में हमारे लिए रोशनी की किरण क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।